इर्तमा से दुआ जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन। मालिक बानियान मजलिस, मेरे भाइयों का पुरखलूस एहतमाम, पुरखलूस पूरी विच सही गई तमाम ज़ाकिरीन दा पड़ा। मैं खीर सैयद ये पाक नौकरी अपनी बारगाह च अजीम इबादत शुमार फरमा। मालिक मेरे भाइयों दे मरुमीन दे दर्जात बुलंद फरमा। हमेशा अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम दी विलायत और मजलूम करबला दी इज्जतदारी नसीब फरमा। मालिक मेरे भाइयों नूं वसी रिज़्क हलाल अता फरमा। मालिक पहली और आखिरी दुआ जरूरी और अहम दुआ, कोशिश करें सारे अज़ादार अमीन जरूर रखे। मालिक वारिस हकीकी इमाम बरहक इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम दा ज़ुहूर पाक जल्ल फरवा। बारहवें आका दी अमंद सलामती कीते बाबा ज बुलंद सलवात तिलावत फरमाओ। नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली अलैहिस्सलाम मदद। मालिक तमाम साहिबान दे दिल्ली उन्हें खशात पूरे फरमावे। हुक्म ही हाजिरी जरूरी है। इजाजत है जी, मैं जिक्र पाक दगा शुरू करें। जितने मातमी अज़ादार तशरीफ फरमाओ, जेंदे जेंदे ज़हन जितना जितना आले मुहम्मद मकाम है उतनी बुलंद सलवात तिलावत फरमाओ। ला औला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलील अलीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश सलवात
मैं थोड़ा एक लम्हा नजाय कीते ना मैं करना चाहना मालकन दे अजीम मदा खान मिंबर पाक ते तशरीफ फरमाहिन मेरे सीए सुनी साहिबान मैं थोड़े सामने कुरान मजीद दी दिल सूरत सूरह यासीन दी 12 दे सदके आयत नंबर 12 तिलावत फरमाई भाई खालिक अल्लाह चौंदन मालिक अल्लाह अपनी मोत्र किताब दे अंदर अपनी बेहब किताब दे अंदर अपनी लरेब किताब दे अंदर ऐ पहले जदार तो लेके आखिरी जदार तक देखो हाले समझ नहीं आई खालिक अल्लाह चौदह द मालिक अल्लाह अपनी मिस्दक मिन अल्लाह किताब दे अंदर भाई असद इरशाद भी फरमेंदे कि मैं अल्लाह ने कायनात दी हर शय दा इल्म इकट्ठा करके इमाम मुबीन अली जन मुर्तजा दे सीने अकदस च रख छोड़ मैं जनाबों दे सामने इमामुल अरफीन सुल्तानु सादरीन कायदिल गुर्रिल मुअज्जलीन शिया सुन्नी साहिबान इमाम मुबीन दी थोड़ी जी वजाहत करना चाहिए बाबा जी दुआ फरमाइशो जी मालिक साहब हमेशा सलामत रखें शिया सुन्नी साहिबान इमाम मुबीन दी मुकम्मल वजाहत या तशरी अल्लाह कर सकते हैं या अल्लाह दे रसूल कर सकते क्योंकि नवीद भाई अल्लाह दे रसूल दी मशहूर तरीन हदीस है कि अल्लाह को मैं जानदा या मेरा बेरा अली जन मुर्तजा जान मैं मोहम्मद को अल्लाह जान दे या मेरा बेरा अली जन मुर्तजा जान दे नबी अंदर सुल्तान अगु इरशाद भी फरमाने याद रखाए इवें यार मेरा अली जन मुर्तजा बेरा भी ओ कायनात ज हस्ती है जिसको मेरा अल्लाह जान दे या मैं मोहम्मद जान दा कहंदी क्या जुर्रत है जेड़ा आके अली हाई क्या अली है क्या सारे बुलाए भाई बिस्मिल्लाह वाले कदम कदम सारी मुआफ़सत फरमावे हमेशा जिक्र पाक नसीब होवे और अल्लाह दे रसूल दी ज़बान चो थोड़ी इमाम मुबीन दी वज़ाहत सुन ले भैया से दुआ फरमा अल्लाह दे रसूल पिया दे अगर कोई चाहवे आदम अलैहिस्सलाम दा इल्म देखणो होवे नूह अलैहिस्सलाम दी निजाबत देखणी होवे ईसा अलैहिस्सलाम दा ज़ुहद तक्वा देखणो होवे मूसा अलैहिस्सलाम दी हैबत देखणी होवे तवज्जो आखरी अज़ादार तक शर्त है शिया सुनी साहिबान अगू अल्लाह दे रसूल पिया दे अगर कहें अयूब अलैहिस्सलाम दा सबर देखणो होवे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा हुस्न देखणो होवे मैं मुहम्मद दा कमाल और अल्लाह दा जलाल देखणो होवे तो उसनु उस चेहरे दी ज़ियारत करनी चाहिदी है जिस चेहरे अंदर अल्लाह ने 90 अंबिया दी खसैल को इकट्ठा रखा होए मौला सलाम बदरी बस मैं अपने मकसद तरफ आऊं किताबों पढ़ के देखो शब्द तले बुजुर्गो है तहत इसरा फिर है अर्जीन फिर है फिजा फिर है खुल्द फिर है तबका औला फिर है तबका सानिया फिर है तबका सालसा फिर है तबका राबिया फिर है तबका खामसा फिर है तबका सादसा फिर है तबका साबिया जितने अदादार खामोश बैठे हो जड़े बोलेंदे पे हो थोड़ी जिंदगी में जड़े खामोश बैठे इन्हों जिंदगी तराज में तबका साबिया देते हैं औला अदना औला अदना दे उत्ते काबा कुसैन आओ जिन्हों रसूल की अजमत बोलन आलंद किताब लिख दे काबा कुसैन दे उत्ते है रसूल दी ललैन जड़े हाथ बोलन दे ने मालिक कहंदा मुथाज न करे रसूल दी ललैन दे उत्ते है काबैन फिर है रकबतैन फिर है रसूल दा वतन फिर है बाबा जी रसूल दा सदर फिर है मनकबैन मनकबैन दे उत्ते है बैतुल्ला बैतुल्ला दे अंदर वली अल्लाह यानी अली जन मुर्तजा दे कदम मैं एक मंजिल से लेके लमणा चांदा जिंदगी तराज होवन शिया सुनी साहिबान एक जड़े रसूल कल्ला नहीं अली जन मुर्तजा दा हाथ नपा भाई नबी दूसरा गिनना है जिथा आम बंदा दे हथा दे बने हुए खुदा मौजूद है अल्लाह दे रसूल ने उन्हें खुदावा तो दिठा बस अली दी पहचानी चुम के फरमेंदे ने या अली मेरे दिल पिया दे इन्ना बुतों को तोड़ेंदा ना चा जागना वही आखिरी जदार था अली ने मुर्तजा मुस्करा के फरमेंदे ने अल्लाह दे रसूल मैं तो तोड़े सचा मैं को कोई इतराज नहीं लेकिन जेडे पिछू खड़े मैं हुणे थोड़े मोढ़ा ते थीमणे सवार थोड़े सजे मोढ़े ते कुरान लिखो है थोड़े खबे मोढ़े ते कुरान लिखो है
मैं अगर थोड़े मोड़ा दे सवार थी के इन बुतों को गिराए तो एतराज करे से अल्लाह दे रसूल का एतराज करे ने तब पे करे आज इन को दिखावना चाहना दसावना चाहना जेड़ा लिखो है कुरान सामे ते जेड़ा सवार थी आ खड़ा है कुरान नाते के बोलो तमाम मजेदारों की कदम कदम वापसत फरमावे इस अली दे फजाइल दी वजह तो अली दियां धीयां को मुसलमान बड़ा मारे मैं सुनदा बैठा मजलिस इब्तदा है भाई उन्हां दा बड़ा खलूस है मालिक इन्हां दी इबादत शुमार फरमावे शिया सुनी साहिबान जिंदान ओ मिलो आई जिंदी छत कोई नहीं ते दीवारां गिरन दा खतरा आई सदात मोमिनीन इसे जिंदान दे अंदर एक डेढ़े हुसैन बादशाह दी चौं सालां दी जख्मी कनाली धी तशरीफ फरमाई भई असा जेड़े छोटी औलाद लोग तशरीफ फरमा हो अचानक सामने गली च एक शख्स गुजरा भई नवी दी कला नहीं इहदे नाल त्रै या चौं सालां दी धी है ते धी प्यो दी उंगल पकड़ी हुई समय पास देखो ना अख जाने ते शाम दी लुटी सहन जाने शिया सुनी साहबान ए धी प्यो दी बाईजन उंगली पकड़ी हुई अचानक हुसैन बादशाह दी धी दी पई निगाह भई जस तुसा आखसो भई रजब ठीक खड़ा दे सारे अलदार आखसन भी ठीक खड़ा दे कोई वसदा होवे ना अल्लाह न करे उजड़ वने उसनु वसी रुत याद जरूर आंदी है जद हुसैन दी धी दी निगाह पई ना इवें आसमान अले पासे मुंह फिर गए ते उच्चा वेण करके अगे जहमद अल्लाह जद मैं वसदी हैं ते मेरा बाबा जींदा हा मैं कु टुरेंदा ना हा मैं कु चेंदा हा आदि पता नहीं कियो दियां धी है जेड़ा पियो दी उंगल नभ के टुर दी वदी है बस भाई यार इत्थे इस गल कीती उन बच्ची दे कन्न ते हुसैन दी धी दे वेण बुलंद ऐन सामने आ खड़ोती कम दे हथ जोड़ के दी बाबा बाबा जी तू आखे तो मैं उस जिंदान दे अंदर एक छोटी बच्ची बैठी उकू मिल लवां प्यो सर चुम के दे मेरी धी नाराज न होवे कह दिया कु तरह ही कोई मिल दे जदा जान दो होवे तू जो मिलन वे नहीं क्या जान दी है उच्च वेण करके दिए बाबा मेरे देख मदीने वालों की इज्जत की कसम जान दी ना मैं उस को पुछण यो कुछ वह नहीं हाँ छोटी उम्र च कह दे देखा बाबा किन गए मंजिल वधो तो मैं वेण दे करीब आवा ते मिंबर अपने इज्जत अले विरावां दे हवाले सदा समोमिनीन प्यू सर जम के फरमाया मेरी धी तू जान दी है ये शाम दी जड़ी फिजा है ना शाम दा जड़ा माहौल है ये बड़ा निजस है मैं गली दे मोड़ इंतजार च बांधा तू वन सही ते वलने जल्दी बस वीरों ने इजाजत गिन के टुरी आदि मैं सामने आई हूँ दो मरतबा मैं के कह दिन सर चा मैं तेन मिलन आई हाँ हुसैन दी धी सर नचाया जड़ा बंदा जिंदगी च कहना ही नहीं रुना नौकर दे लफ्ज़ से गौर कराए आख जाने शाम दी लुटी छह जाने इतों मैं वैंड शुरू करन लगा शिया सुनी साहबान आदि मैं हूँ सजा हाथ वधाया ते हुसैन बादशाह दी धी दा सजा मोढ़ा हिलाया ते धीमे जे लहजे च कम कह दिन बीबी सर चा ना मैं तेन शाम दी वसी मिलन आई हाँ इवें सर चाए ते उच्चा वेण करके आदिए मैडो देख पहली तू है जेड़ी मिलन आई है अगे जेड़ी आंदी है मारण आंदी है शाबाश शाबाश इवें हक है भाई इवें हक है बिस्मिल्लाह लख बार रखा अल्लाह थोड़ी ऐसी ही इबादत कबूल करे सदा तो मोमिनीन आदि मैं पूछण आई है बीबी तुझे छोटी उम्र च कह दे तेरा बाबा किन गए हुसैन दी धी दे वेण बुलंद होन मारा गई है किथ मारे करबला ते मारा कहे मुसलमाना कितने मारण लेन थोड़ी रोनी अखी दी कसम लफ्ज औखे तेजदारा औखा बर्दाश्त कीते हुसैन दी दी उच्च वेण करके दी मेरो देख डा दी ढल दी दी गिर 9 लाख चवीओ दियां हाथ नहीं जेड़ा मेरे गरीब बाबे ते न उठावे हर कोई मारण आला एक मैं आदियां मैं न मारो तो साढ़े रे बाबा जी मैं वेण शुरू करन लगा इजाजत दे सरकार मैं 2 वेण कर गिना सारे अदादारां दे पैरां ते मैं सैयद दे हाथीं रोवण आवे ना आवे हाय कर लवे सदा समोमिनीन आदि हैं बीबी तेरे बाबे को जो 9 लख मरेंदा रही है सदे पीऊ दा विराह कोई नहीं अड़े इल्म वाले अब्बास दे निकले मुरीद बैठे हो उच्चा वेण करके आदि हाई तो सही लखां ते तक नहीं पौंदी मगर भेण विराह दी चुप खा गई है अच्छा बीबी ओ तो तेरे पीऊ दा विराह तेरे अपने विराह
ਅਜੇ ਇੱਕ ਬਹੁ ਸੋਹਣਾ ਦਿਨੂੰ ਬਰਛੀ ਖਾ ਗਈ ਵੀ ਆ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਤਰੇ ਵਾਰ ਕੁਛ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੇ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਦਾ ਵੀਰ ਸਜਾਦ ਹੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਇਹਦੀ ਖਾ ਗਈ 80 ਜਾਂ 90 ਸਾਲ ਨਜ਼ੀਫ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਵਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਵੈਡ ਕਰਨੇ ਸਦਾ ਤੁਮ ਮਿਨੀ ਆਦੀ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਬਈ ਅਸਦੀ ਮੈਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗੀ 30 ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚਾਇਆ ਇਵੇਂ ਆਈਏ ਜਿਵੇਂ ਝਿਕਲ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਹੁਣ ਛੱਡੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆਈਏ ਉੱਚ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦੀ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਲਾਬੀ ਪਸੀਨਾ ਕਿਉਂ ਗਾਰੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਬਰੀ ਮੈਂ ਹੱਕ ਹੈ ਬਈ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ੀਮ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਚ ਕਰੇ ਅਜ਼ੀਏ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਈਦ ਦੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੋੜਾ ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਯਮਨ 'ਚ ਮੰਗਾਇਆ ਵਤ ਮੈਂ ਕੋ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਇਆ ਹੈ ਵਤ ਮੈਂ ਕੋ ਬਾਬੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਕਹਿ ਲੇ ਹੂੰ ਕੋਨੇ ਕਹਿ ਲੇ ਹੂੰ ਕੋਨੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਲੇ ਵਾਲ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ ਕਹਿ ਕਹਿ ਲੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੋਹਣੇ ਪੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮੰਗ ਦੁਆ ਸ਼ਾਲਾ ਪਚ ਪਵੇ ਹਾਏ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਚ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦੀ ਐਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜੋ ਪਵਾਏ ਪਿਓ ਐਨ ਵਤ ਲਹਿ ਕਹਿ ਆਦੀ ਮੇਰੋ ਦੇਖ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਲਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਆਦੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਜੇ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਆਦੀ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰੇਂਦੀ ਮੈਂ ਕਰੇ ਸਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਜੀਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਰ ਤੇ ਗਿਣਾ ਸੀ ਬਸ ਖਤਮ ਵੀਰੋਂ ਟੁਰੀ ਪਿਓ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਗਿਣਾਇਆ ਪੂਰੇ ਤਰੇ ਦੀ ਨਾ ਪਿਓ ਨਲ ਬੋਲੀ ਨਾ ਮਾਂ ਨਲ ਬੋਲੀ ਬਾਈ ਨਵੀਦ ਤੁਸਾਂ ਅਕਸੋ ਬੇਰਜਾ ਬੈਠੀ ਖੜਾ ਦੇ ਹਰ ਰਜ਼ਾਦਾਰ ਜਣ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਧੀਆਂ ਚੌਖੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੀਆਂ ਨਾ ਰੋਵੇ ਤਰੀਜਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾ ਪਿਓ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬੇ ਚਾਹ ਕੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੱਡੇ ਕੇ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦਸਾ ਦਸਈ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣੀ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਣੀ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲੇਨੀ ਮਾਜ਼ਮੀ ਉੱਚਾ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਮੈਰੋ ਡੇਕ ਜੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਗੱਤੇ ਬਾਬਾ ਤ੍ਰੀਜੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖਾਬ ਦੇ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਖਾਬ ਦੇ ਦੀਆਂ ਕੋ ਖੂਨ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਬਗੈਰ ਸਰਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਧੀਆਂ ਤਰਦੀਆਂ ਹੈ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੋ ਬਰਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੋ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੰਜ਼ਲ ਵਧਾਏ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚਾ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਪਈਆ ਦੀ ਬਾਬਾ ਹੁਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਦੇਣੀ ਆ ਬਾਬਾ ਲਿਖਵੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਗਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗਸਾਂ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮਿੰਨਤ ਲਾ ਹੁਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਂਝ ਜੋੜਾ ਦੁਰਾਂ ਦਾ ਗਿਨਾ ਜਿਤਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਧੀਆਂ ਲੈ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਰ ਚਵਾਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਾਏ ਮਾਤਮੀਓ ਯਕੀਨ ਕਰਾਏ ਬਈ ਜਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਹੈ ਜੋੜਾ ਦੁਰਾਂ ਦਾ ਗਿਨਾ ਆ ਕੇ ਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਨਾ ਦੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਣੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਪੁਜਾ ਅਲਾਮਾਨ ਅਲਾਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਗਏ ਬਾਈ ਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਣ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਿਓ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਏ ਸਾਰੇ ਅਲਦਾਰ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਬਾਬਾ ਸਾਗਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿਵਾਏ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਸਰਾ ਤੇ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀਦੀ ਜੀਂਦੀ ਹੋਵੇ ਸਾਲੋਂ ਨੂੰ ਦੁਰ ਪਵਾ ਗਿਨੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਏ ਬਈ ਅਸਦ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਏ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿਲ ਸਜੇ ਦੇ ਦੀਏ ਅਸਗਰ ਦੀ ਭੈਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਗਏ ਵੈਣ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਹਿਲੇ ਖੱਬੇ ਦੇ ਦੀਏ ਅੱਬਾ ਉਹਦੀ ਬਤਰੀ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੇ ਅਲਾਦਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੇ ਕੋਨੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖਾ ਵੈਣੇ ਬਚੜਾ ਵੋ ਕਹਿਣੋ ਵਧੀ ਗੁਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀਏ ਬੀਬੀ
मेरे सन दी बच्ची आई मैं त्राए दे पहले मिलन आईया ओंदे कान जख्मी आन मैं आखाई दूर घिना सा दूरा दा ना है आदि आ गाली च वही पात्री जानी है ओ मर गई है सिर्फ दूर नहीं जने भाई जन बच्ची आप ही जमीन ते जड़ी गश कर गई है बिटेंदी जनाबे सजाद कोल आई है अकल मार क्या दी मुसाफिरा अल्लाह दे ना ते नाराज ना होए मैं तेरे कोल पुछना चाहनिया तेरी बहन जो कह देना ही दफनाई किवें आईया उस वेले जनाबे सजा दी रात वध पई है अकल मार के फरमेंदे रुआ नहीं है जीवे कह देण हाई ओए दफन कीती ते जंजीर लहा नहीं सगिया मैं माशर दोनी जिंदगी आवने जिंदगी आवने आखरी वेण माँ हुसैन दी राजी आवने रोण डाले हकल मार के आ दिए बीमार नाराज ना होवे भेड़ तो आई जड़ी तरी दुनिया तो टुर गई है मैं हुणे बाजार वैनी आ मैं बुर वेच के तेरा इलाज करनी आ अल्लाह दे नाम ते लुकावे नहीं मैं कुड़ा दा सही ते को बीमारी केड़ी है भाई जान बीमारी दा ना है जनाबे सजा दी रात वद पई है उच्चा रोग मैं परमे दिन मैं जो देगा बीमार कदी नहीं रात रोंदे भावे होवे नरा मामेदार अल्लाह लानतुल्लाह अल्लाह